स्माइल एमएस सुरेंद्र से आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल दर्शन। दोस्तों इसमें आप सबका स्वागत है और अगर कोई पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और जो साइड में बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो जबरदस्त वैकेंसी है क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है जो अब इंतजार था कि हरियाणा में कब ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी। दोस्तों वो वैकेंसी अब निकल चुकी है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या उम्र मांगी गई है इसमें और इसकी आखिरी डेट क्या है, इसको कैसे भरा जाए, ये सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी जो डिटेल है वो आपको मैं मेरे लैपटॉप के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जो आज के बारे में आपको वैकेंसी के बारे में बताया था, जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों जो डिटेल आई है ग्रुप डी की वो काफ़ी समय के बाद हमारे पास वैकेंसी आई है और इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें इसमें बताई गई है वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें क्या है, जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है वो 26/8/2018 को हुई है और जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो 29/8/2018 है और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 18/9/2018 है, यानी इसकी आखिरी डेट 18/9/2018 है। ये रात के 11:59 पर तक चलेगी और जो इसकी फीस की क्लोजिंग डेट है वो 21/9/2018 है। उसके बाद जो हमारा आता है कैटेगरी वाइज पोस्ट, कितनी कितनी पोस्ट है इसमें, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट आई है, उस कैटेगरी वाइज जो पोस्ट कितनी है ये आप नोट करिएगा। इसमें जो जनरल की जनरल कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 8312 पोस्ट हैं और नॉन ESM और ESP की 6142 पोस्ट हैं और ESM की 1359 पोस्ट हैं और ESP की 811 पोस्ट हैं। इसमें SC कैटेगरी की पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट हैं इसकी 4245 पोस्ट हैं SC कैटेगरी की, उसके अंदर नॉन ESM और ESP की 3534 पोस्ट हैं और ESM की 416 पोस्ट हैं और ESP की 295 पोस्ट हैं। इसके बाद BCA कैटेगरी की पोस्ट हैं, इसमें टोटल पोस्ट 3345 पोस्ट हैं और जो नॉन ESM और ESP की हैं वो 2629 पोस्ट हैं और ESM की 436 पोस्ट हैं और ESP की 280 पोस्ट हैं और जो BCB की कैटेगरी है उसमें टोटल पोस्ट 2316 हैं और नॉन ESM और ESP की 1657 हैं, ESM की 527 पोस्ट हैं और ESP की 132 पोस्ट हैं, यानी टोटल पोस्ट जो जितनी वैकेंसी निकली है वो 18218 वैकेंसी इसकी टोटल निकली है ग्रुप डी के अंदर। इसमें PWD की 4% आरक्षित सीट रखी गई हैं, वो VH 145 सीट हैं, HH की 132 हैं, OH की 208 सीट हैं और बेंचमार्क डिसेबिलिटी 80 है। इसमें जो अब क्वालिफिकेशन आती है वो क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, यानी आपकी 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और उस जो 10वीं क्लास है उसमें आपकी हिंदी या संस्कृत में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और जो एज बताई गई है वो 18-42 साल है। रिलैक्सेड इन एज, इसमें कास्ट वाइज जो SC और BC बैकवर्ड क्लास में जो छूट मिलती है वो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसको कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी इसमें। इसके बाद हमारी आती है फीस डिटेल, कौन सी कैटेगरी कितनी फीस है। तो दोस्तों इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और एक्स सर्विसमैन है इसकी कोई फीस नहीं है और जनरल कैटेगरी में मेल है उसकी 100 रुपये फीस है और फीमेल की 50 रुपये फीस है। इसी तरह SC और BC कैटेगरी में मेल की 50 रुपये फीस है और फीमेल की 25 रुपये फीस है और ये हरियाणा के होने चाहिए, हरियाणा की वैकेंसी निकली है तो हरियाणा वाइज ही इसको भर सकते हैं हरियाणा वाले। इसके बाद हमारी आती है लिस्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट, यानी कितनी पोस्ट निकली हुई है, किस किस में कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों इसमें PN की जो पोस्ट है उसमें 7996 पोस्ट निकली हुई है और बेल्डर की 3414 पोस्ट हैं और एनिमल अटेंडेंट की है 1885 पोस्ट हैं, हेल्पर की 926 पोस्ट हैं, माले की 709 पोस्ट हैं और PN कमचौकीदार की 531 पोस्ट हैं, कुक की 520 पोस्ट हैं और फील्डमैन की 424 पोस्ट हैं और वर्कशॉप अटेंडेंट की 337 पोस्ट हैं, मैकेनिकल हेल्पर की 329 पोस्ट हैं
और वाटर कैरियर की 218 पोस्ट हैं, टीममेट की 205 पोस्ट हैं, और माली कम चौकीदार की 159 पोस्ट हैं, और टेरीमैन हेल्पर की 105 पोस्ट हैं, धोबी की 99 पोस्ट हैं, और रोडमेट की 85 पोस्ट हैं, बारबर की 79 पोस्ट हैं, और इलेक्ट्रिशियन हेल्पर की 65 पोस्ट हैं। दोस्तों इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सारी मैं नहीं बताऊंगा, आप जो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उस लिंक में आप दे सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं इनमें, सभी हर हर कास्ट की, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, वो आप लिंक पे आप देख सकते हैं, और जो आगे है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, मैं कुछ डिपार्टमेंट आपको बताता हूँ और बाकी आप लिंक पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट, और आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट, म्यूजियम डिपार्टमेंट, और आर्किटेक्चर्स डिपार्टमेंट, और आर्चिव डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, सिविल एविनेशंस एविशंस कमांड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CD, CADA, और डेवलपमेंट एंड पंचायत, DG पुलिस, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, और ESI हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर, और इनरोलमेंट एक्साइज एंड टैक्सेंस डिपार्टमेंट्स, फिशियर्स डिपार्टमेंट्स, फूड एंड ड्रग्स एडमिन डिपार्टमेंट एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, और भिवानी में हरियाणा बोर्ड। दोस्तों जो आपके बिल्कुल नज़दीक है हरियाणा बोर्ड भिवानी, इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में, लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भिवानी हरियाणा बोर्ड में वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने डिपार्टमेंट बताया है, इनमें हर डिपार्टमेंट में आप ट्राई कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों जो मैंने ये वैकेंसी बताई है, हर डिपार्टमेंट बताया है, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसमें जो कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में बता सकें, ताकि इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी और डिपार्टमेंट होने की वजह से हम आपको कम से कम आपको बताया है, और आगे आप जो लिंक दिया गया उस पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, और ये जो भी भरा जाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और आगे की जो वैकेंसी, आगे की जो हमारी वीडियो आएगी वो फुल डिटेल के साथ आएगी, वो अगली आगे जो वीडियो आएगी वो आप देखना ना भूलें, उसमें हर प्रकार की आपको डिटेल बताई दी जाएगी, क्या कुछ करना है, क्या कुछ लगेगा, हर प्रकार की होगी, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों ये जो मैंने बताया है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके और वो भी फॉर्म भर सकें। दोस्तों हमारे इस चैनल टेक्निकल तवर सिंह, जो आपके लिए स्पेशल आपके लिए बनाया गया है, उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।